तो आज हम जानेंगे मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर के बारे में। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, टेलीविज़न कैमरा के सामने जो चीज़ है उससे लाइट टकरा के कैमरा के अंदर जाता है, तो कैमरा में एक लेयर रहता है जो बहुत सेंसिटिव है। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जब लाइट नहीं पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और लाइट जब पड़ता है तो रेजिस्टेंस घटते जाता है। तो इसके ज़रिए कैमरा में क्या होता है, लाइट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल तैयार होता है जिसको हम लोग वीडियो के रूप में देखते हैं। तो इसको उसके बाद स्कैनिंग होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होता है। उसके बाद इसे सिंक पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और वीडियो एम्पलीफायर से इसे एम्पलीफाई भी किया जाता है। उसके बाद हम लोग AM मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर से पावर एम्पलीफायर में भेज देते हैं, और पावर एम्पलीफायर के पास ऑलरेडी एक सिग्नल जनरेटर रहता है जो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो सिग्नल जनरेट करता है वो RF एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होता है, और वो है एक्चुअली कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे पावर एम्पलीफायर पे कैरियर सिग्नल के साथ वीडियो सिग्नल मिक्स होता है, और दूसरा तरफ माइक्रोफोन जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है हम लोगों का साउंड के अकॉर्डिंग, उसे लो से हाई करने के लिए ऑडियो एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग FM मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद साउंड को ट्रांसमिट करते हैं कॉम्बाइन नेटवर्क में। तो कॉम्बाइन नेटवर्क में जाके वो जो कैरियर और विथ वीडियो सिग्नल था और साउंड जो था सब मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद ट्रांसमिटिंग एंटेना से माइक्रोवेव के थ्रू ये निकल जाता है ऑन द ईयर। ऐसे हम लोगों का टीवी ब्रॉडकास्टिंग होता है।